बीजेपी की सरकार नहीं बन पाए तो, और उसमें भी आप लोग नहीं जीत पाए, तो अब आपका क्या स्ट्रैटेजी है, आपको क्या लगता है कि कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है जनता से? अभी विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में 0.05% ही वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है सामने वाले कांग्रेस पार्टी से, तो कहीं जो उनके जीतने का मार्जिन था वो कम था, हमारे प्रत्याशी जो जीते उनके मार्जिन ज़्यादा थे, तो ओवरऑल जब देखते हैं तो वही आपको बताया कि 0.05% कम रहा। और अब जो क्योंकि उसके बाद में काफ़ी देश में ऐसे काम हुए हैं जिसमें देश का मान सम्मान बढ़ा है, और देश के जो सेना ने जिस प्रकार से अपने शौर्य का पाकिस्तान को दुश्मन देश को जो उसकी पाकिस्तान को देश को नहीं कहूँगा आतंकवादी गतिविधियों को जो करारा जवाब दिया है, तो वास्तव में उससे पूरे देश में एक माहौल ऐसा बना है और देश के लोगों ने जाना है माना है कि अब ऐसा व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश में हर प्रकार की विकास का और देश को हर स्थिति के अंदर हर परिस्थिति के अंदर देश से जो जवाब मिलना चाहिए दुश्मन देशों को उसमें देने का उनका सामर्थ्य है, और देश को जिस प्रकार से 5 साल का पूरे रिकॉर्ड देखते हैं प्रधानमंत्री जी का, तो आज अनेकों ऐसी उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं जो विश्व पटल पर वास्तव में कीर्तिमान स्थापित हुआ और पूरे विश्व को एक बड़ी ही उम्मीद के साथ और बड़ी ही शक्ति के साथ जो भारत पिछले 5 साल में उभरा है, तो इसके लिए पूरा देश का प्रत्येक नागरिक गौरवान्वित है और अपने आप को अब वो अच्छा प्राउड महसूस करता है। आपका कोई स्ट्रैटेजी है इस चुनाव को जीतने का, कैसे आपने प्लान किया है, कैसे आप लोगों के करीब जा सकते हैं, जनता के करीब? मेरे ख्याल से जनता थोड़ी सी नाखुश है बीजेपी गवर्नमेंट से अभी, तो वो आप कैसे अपना प्रचार कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी तो देखो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी, सांसद का चुनाव है पूरे देश का चुनाव है, और सांसद की नीति करनी और कथनी ये सब जो है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, और जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जो मुहिम छेड़ी है कि ग्रामीण स्तर से लेकर अंतिम व्यक्ति से लेकर और पूरे देश का विकास किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, तो उसी लाइन पे चलकर उसी मार्ग, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सांसदों की क्लास लेते हैं क्या काम हुआ, उनको टास्क देते हैं कि आप इस क्षेत्र के अंदर ये काम करके आओ, सभी सांसदों को पीछे एक एक गांव एक एक पंचायत को उनको अडॉप्ट करने के लिए दिया था कि उसका विकास हो, ऐसे छोटे छोटे कार्य और बड़े बड़े कार्य, तो ये सारी गाइडलाइंस जो हैं कि पार्टी की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तय करते हैं कि एक सांसद को अपने क्षेत्र के अंदर किस तरह का विकास करना है। दूसरा सवाल है कि सांसद अपने एफर्ट से जो इस क्षेत्र के अंदर जिस भी क्षेत्र का जो सांसद होता है भारतीय जनता पार्टी का, उस क्षेत्र के अंदर जो कमियाँ हैं मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं सभी की, उसको भारत सरकार से शीघ्र पास करवा कर और वो योजनाएं उस क्षेत्र में लाए, वो सांसद की मेहनत है कि क्षेत्र के अंदर शिक्षा के लिए क्या काम करना है, स्वास्थ्य के लिए क्या काम करना है, सड़कों का तो पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने और हमारे पार्टी के जो कार्य चले हैं उसमें नेशनल हाईवे गवर्नमेंट के ग्रामीण पथ गौरव पथ खूब बने हैं और भी बनेंगे, और समस्याएं होती हैं जैसे यहाँ की मुख्य समस्या पानी की है, पीने के पानी की बहुत समस्या है, तो उस पर हम विशेषतः ध्यान देंगे कि पानी पीने की समस्या जो है कि वो किसी पंथ से किसी धर्म से जुड़ी नहीं है, किसी भी जाति से जुड़ी नहीं है, वो सबका सबकी ज़रूरत है, अब मैं कहूँ तो पक्षी को पेड़ पौधों की पक्षियों की भी ज़रूरत है, तो उस पर हम काम करेंगे एक साथ में, वो एक बहुत परोपकारी काम है, उससे पुण्य भी मिलेगा, हमने तो जनता को मिलेगा क्योंकि जनता का ये सब पर उसको करने की जो संकल्प है हम उस संकल्प के साथ उसको सेवा भाव से करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, हमें भी परमात्मा अपने चरणों में आगे अच्छा स्थान देगा, तो पानी के लिए काम करेंगे और केंद्र सरकार से भी और डिप्लोमेटिक तरीके से विदेशों से भी हम उसके लिए फंड लाने का कोशिश करेंगे कि बाहर से भी फंड आए, क्योंकि पानी यहाँ से बहुत दूर से लाना पड़ेगा, और समाज सेवियों से भी संस्थाओं से भी और यहाँ के लोगों से भी, वो तो एक मुहिम के द्वारा हमें लेनी पड़ेगी, उसके लेकर हम इस पानी के ऊपर काम कर संकल्प रखते हैं, बाकी शक्ति और परमात्मा देगा। 5 साल से जो मैं चांदना जी रहे सांसद रहे उस कार्यकाल में कुछ लोगों के यही जिलेवासियों कहना है काम
नहीं हुए, तो आपको जैसे जनता को ने मौका दिया, तो क्या प्लानिंग है जो मैं चाना जी नहीं कर पाए, जो आपकी जो प्लानिंग है वो क्या है? 5 साल से पूज्य गुरु महाराज जी को सबसे बड़ी जीत अलवर के इतिहास में थी। बिल्कुल, पूज्य गुरु महाराज जी चुनाव के ठीक 5 महीने बाद में उनका गले का ऑपरेशन हो गया। अब बीमार थे, गले से ना बोल पाते थे ना कुछ खा पाते थे, बिस्तर पर ही रहे। उसमें से जितना समय उन्होंने बात का 17 सितंबर 2017 तक जो निकाला है, उसमें से वो 13 महीने तो लगभग आईसीयू में रहे। तो अब इसमें दोष किसी का नहीं है, तो परमात्मा का विधि का विधान है, उसमें वो भी खुद भी क्या कर सकते थे। लेकिन उसको देखते हुए उन्होंने मेरे को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मैं इस अलवर से ही, बहरोड से ही अपना, मेरा मेरी मातृभूमि, मेरा जन्म गाँव है। उसको देखते हुए मैं इस, मैंने जब उस स्थान पर बैठा तो मैंने माना कि भी मेरे पूज्य गुरु महाराज जी ने मुझे अपनी विरासत, अपनी गद्दी सौंपी है, तो मेरे दायित्व हैं, अब मुझे इन दायित्वों का पालन करना है। जब मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई, तो मैं हर उस क्षेत्र की जिम्मेवारी लूँ जो पूज्य गुरु महाराज जी ने चलाए थे या पूज्य गुरु महाराज जी उनका उसका संकल्प रखते थे। तो इस राजनीति में आने का मेरा मात्र कारण यही है कि मैं अपने इस क्षेत्र को और पूज्य गुरु महाराज जी के नाम को, जो उन्होंने मुझे आज अपने स्थान पर बैठाया है, तो उसके नाम को आगे बढ़ाऊँ और अपने लोगों के लिए काम करूँ। इतना बड़ा जिम्मेवारी मुझे सौंप के गए हैं, तो अब मुझे उस जिम्मेवारी पर, उस काम पर सबसे बड़ी मेरे एक ही, उस काम पर खड़ा उतरूँ। जिलेवासी को यही एक मन में एक विश्वास हो रहा है, एक सवाल आदि इतना रोतक चले जाए। नहीं, मैंने कहा ना कि देखो, पूज्य गुरु महाराज जी को समय नहीं मिला, प्रमाणित करने का समय कहाँ मिला आप बताइए ना। समय मिलता, 1 साल बाद बीमार होते, 2 साल बीमार बाद बीमार होते, 1.5 साल बाद बीमार होते, तो आप कहते भी बनते। ये तो खाली विपक्षी दलों का एक पॉइंट है, और कोई पॉइंट नहीं उनके पास में, यही बात है और कोई बात नहीं है। और मेरा यही कारण है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मेरा कारण ही यही है कि मुझे इस अलवर के लिए ही चुना गया है गुरु जी के द्वारा। मैं अपने क्षेत्र को आगे ले जाऊं, मैं अलवर के लिए काम करूं। आज जिस स्थान पे मैं बैठा हूं, स्थान की पद की गरिमा को, स्थान के जो पूरे भारत में मान सम्मान है, उसका लाभ लेते हुए मैं इस क्षेत्र का काम करूं, क्योंकि इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है। मेरा तो कारण ही यही है ना, मेरे को बना के गए हैं, मेहनत बना के गए, तो यहाँ का हूँ वही मेरा कारण है। यहाँ पर मैं काम करूँ, उसी लिए मेरे को छोड़ के गए हैं। तो मेरा तो मूल वही है, मैं वहाँ पर बैठ के क्या बैठा हूँ, तो यहाँ की वजह से बैठा हूँ, यहाँ का हूँ इसलिए बैठा हूँ, तो वही मेरा दायित्व है। पूज्य गुरु महाराज जी यहाँ रहते, बहरोड का कार्यकाल देखो आप, विधानसभा का, आप बहरोड में जाके सर्वे करो, पूछो लोगों से कि उस समय क्या क्या काम हुए। मैं आपको क्या बताऊँ, आप जाके पूछो, लोग एक एक व्यक्ति बोलेगा आपको कि क्या क्या उस समय में काम हुए। कांग्रेस एक आरोप लगाती रहती है, क्या है कि जैसे अलवर जिला एक सुर्खियों में रहता है, चाहे पहलू कांड को लेकर चले गांव कसी को लेकर, तो बीजेपी उसको बनाती रहती है। क्या क्या मानते हैं, क्या जो कांग्रेस जो आरोप लगे वो सच, कहां तक सच मानते हैं? कुछ विचारधारा के लोग हैं जो ऐसे मांस मदिरा की तरफ अपना ध्यान रखते हैं, उनका शौक कहें या उनकी आदत कहें, लेकिन हमें उनको बदलना होगा, क्योंकि जीव हत्या परमात्मा की हत्या मानते हैं उनको। जितना हमारा इस पृथ्वी पर अधिकार है, उतना ही सभी जीव जंतुओं का भी है, और मनुष्य होने के नाते हमें तो सबका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी भी परमात्मा ने दे रखी, क्योंकि हमें बुद्धि है, बोलना बोल हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और हम अपने हिसाब से चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो हम तो एक तरह से देखा जाए तो इस पूरी पृथ्वी के मालिक हैं सभी मानव जीव, तो हमें सबको साथ लेके चलना है। उनकी विचारधारा, उनकी बुद्धि के अंदर परिवर्तन लाना होगा कि आप इन कार्यों से दूर हटकर, और परमात्मा ने जब जीव को जो खाने के लिए चीज वो दिया है ना, फल दिए हैं, सब्जी दी है, अनाज दिया है, सब कुछ है हमारे पास प्रकृति का दिया हुआ, तो हम जीव हत्या कर कर क्यों खाएं? तो सर, ऐसे मोरल जनता ने आपको जो लोकसभा का जो मौका दिया, तो आपके फ्यूचर में प्लान क्या है, जो पहले 5 सालों में नहीं हो पाए, उससे 5 सालों में नहीं हो पाए, 10 सालों में नहीं हो पाए, तो इस बार आपका प्लान फ्यूचर क्या बताया ना? मैंने पानी के ऊपर काम करना है, क्योंकि पानी यहाँ की बहुत ही सबसे बड़ी जरूरत है, उसके ऊपर काम करना है। उसके साथ साथ देखो, विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 वर्षों में पूरे गांवों में, शहरों में होते रहे हैं, हो रहे हैं, और उसी परंपरा को आगे चलते हुए तभी तो देश में आज एक ही माहौल है मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, गरीब के घर में भी काम किया है, जो भी व्यवसायी है उनके पास उनका, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया है। लेकिन प्रकृति का नियम है विकास करना, यही प्रकृति का नियम है, आगे बढ़ते रहना, विकास करते चलना, उसी परंपरा को निभाते हुए आने वाले समय में
शिक्षा के लिए हम इस पे काम करेंगे। यहाँ पर विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय का और विस्तार हो, उसमें और नई नई फैकल्टीज आए, कोर्स आए। हॉस्पिटल के ऊपर काम करेंगे। हॉस्पिटल का में हम गए थे तो देखा था कि हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साफ सफाई हो, मरीजों का, गरीब मरीजों का अच्छे से इलाज हो, क्योंकि फ्री होता है, दवाई फ्री मिलती है, डॉक्टर फ्री चेकअप करते हैं, लेकिन सुविधा के तरह से नहीं, मतलब सफाई से नहीं है, समय पे डॉक्टर नहीं है या समय पे और कोई असुविधा है उनको आरामदायक, क्योंकि हॉस्पिटल में आदमी आता है ठीक होने। सर, राजस्थान में 5 साल आपकी सरकार रही थी और बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट आना था, जैसे एयरपोर्ट आपकी सरकार, कांग्रेस सरकार का था, लेकिन आपकी सरकार ही वो एयरपोर्ट भिवाड़ी से, कोटकासिम से और जेवर में चलेगा, तो वो कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस सेंटर में थी, इधर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं अलवर का निवासी हूँ, मैं तो चाहूँगा कि मेरे अलवर में ये बने, ठीक है ना। अब इन चीज़ों पर अब आगे चलकर, मैं तो अभी आया हूँ इसमें, मैं भी उस समय पे मेरे सामने भी ये बातें आई थी, हम भी संकल्प रखते हैं कि अब एयरपोर्ट हमारे इस अलवर में बने। अब क्या कारण है, क्यों जेवर में क्यों गया है, हमारा तो प्रयास करेंगे लाने का जी। बाकी भगवान जैसा रास्ता दिखाएगा, शक्ति जैसे देगा, हमारा प्रयास रहेगा सबसे ज़्यादा अधिकारी है, सबसे ज़्यादा योजनाएं अपने अलवर के लिए लाना, और उसके लिए पुरजोर मेहनत करेंगे, पूरे अलवरवासी करेंगे। लास्ट सवाल चाहिए थे, तो लोगों का ये भी, जिलेवासियों का, ये कांग्रेस की अगर बात करें, ये कह रहे हैं कि भाई जैसे बहुजन समाज पार्टी तो कैंडिडेट है, जो आप लोगों ने खड़ा किया इस तरह से कुछ है, कैसे खड़ा किया ये बताओ, कांग्रेस के वोट बैंक नहीं, कैसे, कोई प्रमाण है क्या बात नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, क्या देश में पार्टी नहीं है, कोई पार्टी है ना, मायावती जी उसकी सबसे बड़ी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब अलग हो जाएगी बिकॉज़ कांग्रेस पे। मैं ये बताऊं ना, आज जब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है, हमारे कहने से कैंडिडेट खड़ा करेंगे? अपनी मर्जी से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, कोई टिकट लेके आता है, उनका वोट बैंक को देख के लाता है, हर तरह के समीकरण देख के कोई टिकट लाता है, तो ये कहना किस बात का है कि हमने खड़ा कर दिया, तो आप खड़ा कर लो, अगर हमने उसको खड़ा कर दिया तो आप खड़ा कर दो किसी को, ऐसी कोई निराधार बातें हैं, फालतू की बातें हैं। लेकिन सर, 5 साल कांग्रेस बीजेपी सरकार रही आपकी, हम इंडस्ट्री एरिया की बात करें, भिवाड़ी की बात करें, भीमगढ़ की बात करें, तो जितना डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाया, तो किस तरह के अपन जो सारी चीजें आपकी सरकार की तकरीबन भिवाड़ी में है, सीवरेज की सुविधा का है, पानी का भी वहाँ भी समस्या है, और इन समस्याओं को लेकर डेवलपमेंट ठीक का, कि देखो विकास है, विकास कभी थोड़ा सा ब्रेक हो गया, कभी चल गया, विकास तो नियम का, प्रकृति का नियम है विकास होना, ये होगा। अभी वहाँ की जो समस्याएं हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रुक गया है, इन चीज़ों पर ध्यान देके उनको बढ़ाया जाएगा, और बढ़ाने का प्रयास सबका ही रहता है, कौन किसका नहीं रहता, वहाँ के निवासियों का भी है, हमारा भी है, क्योंकि वहाँ जब इंडस्ट्री लाएंगी, वहाँ पर जब लोग बसेंगे और आके वहाँ पर पूरी डेवलप होगी, तो सब चीज़ें बढ़ेंगी ना, सबका विकास होगा ना, तो उसके लिए कौन नहीं चाहेगा कि नहीं हो, उसके लिए काम किया जाएगा। सर, जैसे अपने पानी की बात करी, भिवाड़ी की अपने बात करी, कि हर बार यही आरोप लगता है कि भाई कांग्रेस की सरकार इधर है, जैसे आपकी सरकार बीजेपी सरकार राजस्थान में भी थी, हरियाणा में भी सरकार आपकी थी, तब भी वो पानी का सोल्यूशन नहीं, आप देखेंगे भिवाड़ी कभी जाते हैं तो बॉर्डर स्कूल के सामने बहुत पानी भरा रहता है, पहले आरोप लगता है कि हमारी सरकार हरियाणा में नहीं है, अब दोनों सरकार आपकी थी लेकिन वो नहीं हो पाया, क्या कारण ऐसा, कैसे? अब कारण तो मैं जानूंगा, ठीक है ना, मैं जानूंगा, मेरा पहला कदम है राजनीति में, गवर्नमेंट सब विषयों पे पूरी जान के और समझ के, मेरा ध्येय होगा काम करना जी, और मेरा ध्येय होगा पॉजिटिव, मेरा ध्येय किसी का अनादर करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, चाहे कोई भी हो, मेरा ध्येय है कि मैं सबको साथ लेके आगे बढ़ूँ, और सब अलवर के जितने भी वोटर हैं, 19 लाख समथिंग वोटर हैं, सब समान दृष्टि से हमारे वोटर हैं, सब समान दृष्टि से हमारे अलवर के नागरिक हैं, और जितना हो सकेगा मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन सर, क्या राजस्थान में मोदी फैक्टर कब फीका पड़ गया था, जो पूरे देश में मोदी फैक्टर है और पूरे राजस्थान में जैसा, क्या कारण रहा? कारण कहाँ है, कोई कारण ही नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, राजस्थान की 25 सीटें दोबारा से आएंगी, और पूरे देश में 400+ सीटें। ये माने कि लोग राजस्थान के तो वसुंधरा से खपाते, इसलिए राजस्थान? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं मानता, थोड़ा बहुत टिकटों में हो जाता आगे पीछे, 0.05%, ऐसी कोई बात नहीं है, सबने मेहनत की है, सबने काम किया है,
होता है, सब प्रतिस्पर्धा है इसमें, हो जाता है। थैंक यू सर। 24 टीवी नेटवर्क के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।